हरदोई जिले की शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के हुसेपुर करमाया गांव में स्थित सुखेता नदी पर बने लोहे का 3 फीट चौड़ा पुल क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। 40 साल पहले बनाया गया यह पुल अब जर्जर हो चुका है और रोजाना इस पर से गुजरने वाले लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि पुल की चौड़ाई और स्थिति के कारण यहां से गुजरते वक्त अक्सर हादसे होते रहते हैं, परंतु अब तक किसी भी सरकार ने इस पुल को पक्का बनाने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया है। इस पुल से हर दिन सैकड़ों किसान, मजदूर और स्कूली बच्चे गुजरते हैं। पुल की संकरी चौड़ाई के चलते वाहन चालकों को दिक्कतें होती हैं, दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ गया है। पुल के नीचे बहने वाली सुखेता नाले में साल भर पानी बहता है और बरसात के मौसम में स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। कई बार इस पुल पर बाइक सवार या पैदल यात्री अपना संतुलन खो देते हैं, जिससे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। हुसेपुर करमाया और आसपास के गांवों के किसानों ने एक स्वर में मांग की है कि इस पुल को जल्द से जल्द पक्का पुल बनाया जाए। यह हुसेपुर करमाया में गांव बना हुआ है और ये गाल्टर सुखेता नाला पर है बना हुआ, और यह करीब 30-35 साल 40 साल पुराना पुल बना हुआ है। ये पुराने बुजुर्गों ने बनवाया था और इससे आना जाना तो बहुत ज़्यादा है। 5,000 के करीब आबादी रोज आती जाती है, इससे दिक्कतें भी बहुत होती हैं और कई हादसे हुए, कई लोग गिरे, हाथ पैर भी टूटे, काफ़ी आने जाने वाले को बहुत दिक्कत है। अगर ये बन जाता है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इससे थोड़ा सा लाभ हो जाएगा, और बाजारे भी आसपास चारों तरफ बाजारे हैं, आने जाने में भी रास्ता हो जाएगी। और हम लोगों के लिए गांव में कोई रास्ता है भी नहीं, इधर बिल्कुल बंद है। अगर कोई बरसात में बीमार हो जाता है या मरीज है तो ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत क्या, बस ऐसे ही समझ लो कि वो जा ही नहीं पाता है, घर पे ही दम तोड़ देता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील खान। हालते हो रहे हैं, 30 साल पुराना पुल खुला है सुखेता नाला का, गाटर बोला जाता है, उसे जो निकलता है कहीं गिर जाता है, कहीं कुछ भी होता है। मतलब हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर कोई पुल बढ़िया बन जाए तो अच्छी बात है। कौन सा गांव है ये? हुसेपुर करमाया। तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया इस गांव में कभी? आते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। आप लोगों ने कहा नहीं उनसे? सबसे ही कहा। एक बार राघविंदर साहब हुए, उनसे भी कहा गया, और विधायक आते हैं उनसे भी कहा गया, लेकिन कुछ नहीं, सुनवाई कुछ नहीं हुई। हुसेपुर करमाया है, ये टीन का पुल बना हुआ है, इस पर कई बार मोटरसाइकिल वाले गिर चुके हैं, साइकिल वाले गिर चुके हैं, और कई गांव के निकलते हैं इधर से, कई एक औरत भी गिर चुकी इस पर से। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग यही है पुल बना दिया जाए। ग्राम हुसेपुर करमाया है, यार टीन का पुल बना हुआ है, यहाँ से काफ़ी लोग आवागमन जो होता है यहाँ से काफ़ी लोग गिर चुके हैं नीचे, इसी वजह से काफ़ी आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि इस पुल को बनाया जाए, और काफ़ी बाढ़ से भी हम लोग प्रभावित रहते हैं यहाँ। क्या नाम है? तहसीन खान। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि जानकारी में आया है कि हुसेपुर करमाया गांव में एक सुखेता नाला है और इस नाले से लोग आना जाना करते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि नाले पर पुल बनाया जाए। उनकी मांग अच्छी है, जल्द ही पीडब्ल्यूडी की टीम को भेजकर स्टीमेट बनवाया जाएगा और आने वाले समय में जल्द ही पुल का निर्माण का पुल है, कहते हैं कि पक्का पुल बनवाया जाए। हाँ, ये जानकारी में आया है, हुसेपुर करमाया गांव में सुखेता नाला है और उस नाले से लोग आना जाना करते हैं। नाला बहुत चौड़ा नहीं है, लोगों की डिमांड ये है कि उस पर एक पुलिया बना दी जाए। मांग अच्छी है, मैं पीडब्ल्यूडी वालों को भेज करके उसका एस्टिमेट बनवा करके और कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में नाला बन जाए, जिससे गांव वालों की समस्या दूर हो जाए।